हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी स्टेशनरी पर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे पास है, ये देखिए गाइस, डॉम्स की तरफ से आने वाली टू ज्योमेट्री बॉक्स, जिसका गाइस नाम हमें देखने मिलता है। एक का नाम जियो फ्लिप एंड गाइस दूसरी का नाम हमें देखने मिलता है डॉम्स इंजीनियर ज्योमेट्री बॉक्स। एंड गाइस दोनों की यूनिक बात क्या हमें देखने मिलती है, दोनों ही हमें 200 रुपए एमआरपी में हमें देखने मिलते हैं, जो गाइस एमआरपी बिल्कुल सेम हमें देखने मिलता है। एंड गाइस आज की वीडियो में हम इन दोनों ज्योमेट्री बॉक्सेस का बिल्कुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। एंड गाइस लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको इंजीनियर बाय करनी चाहिए 200 रुपए एमआरपी में या फिर जियो फ्लिप बाय करनी चाहिए। क्वालिटी बताएंगे, सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड गाइस पूरी ज्योमेट्री बॉक्स का बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एंड गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्यूचर में आपको इससे बढ़िया बढ़िया स्टेशनरी की वीडियो इसी तरह देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हमारे इन दोनों ज्योमेट्री बॉक्सेस के ओवरव्यू प्लस अनबॉक्सिंग से। तो गाइस आप देख सकते हमारी दोनों ही ज्योमेट्री हमें कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें देखने को मिल जाती है। एंड गाइस बैक साइड दोनों का हमें नाम देखने और सॉरी एमआरपी देखने मिलता है। ये देखिए गाइस इंजीनियर का 200 एमआरपी एंड गाइस जियो फ्लिप का इसका भी हमें 200 रुपए एमआरपी। एंड गाइस सभी का प्रोडक्ट की डिटेल हमें देखने मिलती है, कंपस वगैरह जो भी हमें देखने मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट की डिटेल हमें देखने मिलती है, क्या क्या इसके अंदर देखने मिलता है। तो गाइस सबसे पहले इनको अनपैक कर लेते हैं। अनबॉक्स होने के बाद ये देखिए गाइस हमारी इंजीनियर कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें देखने मिलती है, टीन की बॉक्सिंग में हमें देखने मिलती है। एंड गाइस जो जियो फ्लिप हमें देखने मिलते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स में हमें देखने मिलती है। एंड गाइस लुक वाइज अगर बात करें तो गाइस लुक वाइज ये जियो फ्लिप काफी बढ़िया हमें देखने को मिल जाते हैं लुक वाइज ही। एंड गाइस काफी बड़े साइज में देखने को मिल जाते हैं, तो इंजीनियर थोड़ा सा साइज छोटा भी। एंड गाइस टीन की पैकिंग है, तो गाइस इनको भी हम ओपन करते देखते हैं दोनों के अंदर सामान हमें कुछ किस तरह का देखने मिलता है। तो गाइस ये देखिए ये हमारी इंजीनियर थी एंड गाइस ये हमारी जियो फ्लिप। तो गाइस ये देखिए गाइस कुछ इस तरह का अटैची टाइप हमें लॉक देखने मिलता है, तो गाइस इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे मटेरियल के हिसाब से एंड यहाँ पे हमारे रोलर स्केल वगैरह सारा कुछ देखने मिलते हैं, सेट स्क्वायर डी वगैरह। एंड गाइस यहाँ पे अगर जियो फ्लिप की बात करें तो गाइस इसके बैक साइड एक और हमें कंपार्टमेंट हमें देखने मिलता है, जिसे हम ओपन करेंगे तो गाइस यहाँ पे हमारा ये देखिए गाइस कुछ इस तरह के हमें देखने मिलते हैं, यहाँ पे हमारे रोलर डी प्रोडक्ट सब कुछ देखने को मिल जाता है। एंड गाइस ओपन करते हैं इसके दूसरी साइड, तो गाइस दूसरी साइड में हमारा सभी मटेरियल देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये देखिए गाइस इसमें हमें एक कंपास देखने मिलता है, जो गाइस कंपास की क्वालिटी कुछ इस तरह की हमें देखने मिल जाती है। ये देखिए गाइस कंपास क्वालिटी वैसे तो ठीक है, काफी हैवी क्वालिटी है, पर गाइस अगर बात करें हमारे जो इंजीनियर की कंपास की तो गाइस ये देखिए इसमें हमें कंपास देखने मिलती है, जैसे क्लासमेट की एस्ट्रॉइड ज्योमेट्री बॉक्स आती थी ना उसमें जो मैकेनिज्म कंपास का हमें देखने मिलता है वो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म हमें देखने मिलता है कंपास का इसमें। तो गाइस क्लासमेट की 250 रुपए एमआरपी थी, अब शायद थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, पर गाइस ये हमारी 200 रुपए एमआरपी में ये कंपास देखने मिलती है, काफी बढ़िया। एंड गाइस इसका मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे हमारे कंपास को हटाकर जब हम डिवाइडर लेग को लगाएंगे ना कुछ इस तरह से, तो गाइस ये हमारा डिवाइडर बन जाता है। तो गाइस मुझे ये वाली बात काफी ज्यादा यूनिक लगती है इन कंपास में से। एंड गाइस ये हमारी कंपास तैयार हो गई, तो गाइस कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने मिलती है। एंड गाइस क्वालिटी वाइज कंपास की क्वालिटी दोनों ही बढ़िया, पर गाइस लुक वाइज कंपास की क्वालिटी इंजीनियर वाली बढ़िया है, तो गाइस लुक वाइज इंजीनियर की बढ़िया है। एंड गाइस पूरी ओवरऑल ज्योमेट्री की लुक हमें जियो फ्लिप की बढ़िया लगती है, एंड गाइस कंपास की लुक ये वाली बढ़िया लगी। तो गाइस क्वालिटी वाइज दोनों बढ़िया मैंने आपको बता दिया, तो गाइस इनको रखते साइड में। एंड गाइस उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें देखने मिलती है, एक हमें मैकेनिकल पेंसिल देखने मिलती है, दोनों में हमें मैकेनिकल पेंसिल देखने मिलती है। वहीं इंजीनियर की बात करें तो गाइस इंजीनियर में हमें काफी छोटी सी एंड गाइस काफी प्यारी सी पेंसिल देखने मिलती है। एंड गाइस वहीं डॉम्स की बात करें तो गाइस डॉम्स में हमें काफी बड़े साइज की पेंसिल देखने मिलती है, जो गाइस 10 रुपए एमआरपी है। ग्रिप और ग्रिपिंग की बात करें तो गाइस रबराइज ग्रिप हमें देखने मिलती है पेंसिल में, जो गाइस पेंसिल को होल्ड करना काफी ज्यादा बढ़िया बना देती है रबराइज ग्रिप होने का। 0.7 mm की निब में हमें पेंसिल देखने मिल जाती है। एंड गाइस अगर बात करें मैकेनिकल पेंसिल की इस तरह जियो फ्लिप में, तो इसमें हमें दो मैकेनिकल पेंसिल देखने मिलती है, एक हमें छोटी वाली भी देखने मिलती है। तो गाइस छोटी वाली पेंसिल हमें दोनों में देखने मिल जाती है, जो गाइस काफी बढ़िया है। एंड गाइस इसमें हमें क्या एक एडवांटेज ज्यादा मिलता है, एक बड़ी साइज की भी पेंसिल देखने मिल जाती है। तो गाइस पेंसिल के मामले में ये हमारी जियो फ्लिप काफी बढ़िया है, क्योंकि दो दो पेंसिल हमें देखने मिलती है, यहाँ पे हमें एक पेंसिल ही देखने मिलती है। तो गाइस उसके बाद अगर बात करें हमारी नेक्स्ट आइटम की, तो गाइस नेक्स्ट आइटम में हमारी एक सिंपल पेंसिल देखने मिलती है। तो गाइस जियो फ्लिप में बड़े साइज की पेंसिल देखने मिलती है, तो गाइस जो हमारी इंजीनियर उसमें छोटी सी साइज की हमें पेंसिल देखने मिलती है, जिसके बैक साइड हमें इरेजर देखने मिलती है। एंड गाइस उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें एक इरेजर प्लस एक हमें शार्पनर
आपने देखने में थे, जो गाइस बिल्कुल ठीक है। एंड इंजीनियो में जो गाइस हमारी एमटेक रेजर आती है ना डोम्स की, जो गाइस 10 रुपए एमआरपी, उसका थोड़ा सा छोटा सा पीस कटिंग पीस हमें देखने मिलता है। पर गाइस एमटेक जो रेजर वो काफी बड़े साइज की, पर इसमें हमें छोटा सा पीस देखने मिलता है। एंड गाइस उसके बाद हमें एक एक हमें लेड ट्यूब हमें देखने मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें शायद हमें 5-5 लेड हमें देखने मिलते। तो गाइस क्वालिटी वाइज दोनों की क्वालिटी बढ़िया है, चलने में क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट होने वाली, पेंसिल की भी, इरेजर की भी, कंपास की भी अगर आप यूज करेंगे तो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड गाइस उसके बाद बात करें हमारे रोलर की, तो गाइस इसका ये कंपार्टमेंट बंद कर लेते हैं। तो गाइस दूसरी साइड से हम इसे ओपन करते हैं, तो गाइस ये हमारा आ जाता है रोलर प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर। तो गाइस ये देखिए गाइस हम सबसे पहले रोलर की बात करते हैं, तो गाइस रोलर के हिसाब से हम देख लेंगे सभी की क्वालिटी। तो गाइस ये देखिए दोनों का हम रोलर निकालते हैं। तो गाइस ये देखिए ओपन करने के बाद जो हमारा जियो फ्लिप का रोलर हमें देखने में, तो वो जैसे नहीं जो डॉम्स की X1 ज्योमेट्री बॉक्स आती थी बिल्कुल सेम उसी तरह का हमें ये मैकेनिज्म देखने मिलता है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी सेम हमें देखने मिलती है, एंड गाइस पूरा डिजाइन भी हमें सेम देखने मिलता है। पर सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे हमारी डॉम्स जियो फ्लिप की ब्रांडिंग दी हुई है। एंड गाइस इंजीनियर की बात करें, तो गाइस रोलर थोड़ा सा हमें क्वालिटी एंड गाइस लुक के हिसाब से थोड़ा सा हमें अलग से लुक प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे हमारी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे जो स्केल के दोनों कॉर्नर दोनों साइड है ना, तो गाइस यहाँ पे हमें थोड़े से राउंड सर्कल टाइप हमें देखने मिलते हैं, जो गाइस काफी बड़े। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर स्केल को यहाँ पे ऐसे रख दे जो वो बिल्कुल फ्लैट जगह हो, तो गाइस स्केल को उठाना थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है ना। पर गाइस ये वाला जो जियो इंजीनियो में हमें स्केल देखने मिलता है, इसमें थोड़ा सा उठा होने के कारण ये बिल्कुल फिंगर यहाँ पे हमें डाल के इसको उठा सकते हैं। तो गाइस ये अगर नीचे गिर भी जाए तो गाइस काफी बढ़िया है। एंड गाइस दोनों साइड हमें इस तरह के देखने मिलते, जो गाइस मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा इसका ये क्वालिटी। तो गाइस आप देख सकते हैं पहले किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में या फिर किसी भी कंपनी का ये रोलर इस तरह का नहीं आता, तो गाइस मुझे ये काफी ज्यादा बेस्ट लगा। एंड गाइस बाकी सारी क्वालिटी तो सेम ही हमें देखने मिलती है, जो इंजीनियर की है हमारी इंजीनियर की तरह की हमारी क्वालिटी देखने मिलती है, एंड गाइस जियो फ्लिप की जियो फ्लिप की तरह देखने मिलती है। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट की कि मुझे कौन सी ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा बेस्ट लगी, जियो फ्लिप या फिर इंजीनियर। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले हमारी बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइस बिल्ड क्वालिटी दोनों की हमें बढ़िया देखते हैं देखने को मिलती है। इंजीनियर की तो पूरी टीन पैकिंग होने के कारण थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया होने वाली है। एंड गाइस ये वाली जियो फ्लिप की थोड़ी सी प्लास्टिक पैकिंग होने के कारण थोड़ी सी कम हमें लगती है। एंड गाइस लुक वाइज ये जियो फ्लिप काफी ज्यादा बढ़िया लुक में हमें देखने मिलते हैं, लुक बिल्कुल न्यू लुक हमें देखने मिल जाता है। एंड गाइस उसके बाद रोलर की बात करें, तो गाइस रोलर हमें इंजीनियर ज्योमेट्री बॉक्स का काफी ज्यादा बेस्ट लगा, बिल्कुल न्यू मैकेनिज्म में हमें रोलर देखने मिलता है, ये काफी ज्यादा बेस्ट मुझे मैकेनिज्म लगा। एंड गाइस जो जियो फ्लिप का बिल्कुल सिंपल रोलर हमें देखने मिलता है, रोलर के हिसाब से हमारी इंजीनियर काफी ज्यादा बेस्ट है इन रोलर के मामले में। एंड गाइस उसके बाद अगर बात करें हमारी क्या नाम कंपास की, तो गाइस कंपास के हिसाब से भी अगर बात करें ना, तो जियो फ्लिप की कंपास हमें कुछ इस तरह की देखने मिलती है। एंड गाइस जो हमारी इंजीनियर उसकी कंपास हमें कुछ इस तरह के मैकेनिज्म में देखने मिलती है, जो गाइस बिल्कुल क्लासमेट के स्ट्रॉइड ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी तरह हमें कंपास देखने मिलती है, जो गाइस मैकेनिज्म मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। जियो फ्लिप जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें हमें दो तरह के मैकेनिज्म पेंसिल देखने मिलते हैं, एक तो बिल्कुल छोटी सी बिल्कुल प्यारी सी पेंसिल देखने मिलती है, एंड गाइस एक बड़े साइज की पेंसिल देखने मिलती है, जो गाइस 0.7 mm हमें देखने मिल जाती है। एंड इंजीनियर में क्या है, हमें बिल्कुल एक छोटी सी बिल्कुल एक ही पेंसिल देखने मिलती है। तो गाइस पेंसिल के मामले में हमारी जियो फ्लिप में हमें दो पेंसिल देखने मिलते हैं, इसलिए ये वाली बढ़िया है। एंड गाइस उसके बाद हमारे पास दोनों ज्योमेट्री बॉक्स में एक एक हमें सिंपल पेंसिल देखने मिलती है। ओवरऑल दोनों ज्योमेट्री बॉक्स काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह का सामान देखने मिलता है, अलग अलग क्वालिटी देखने मिलती है। एंड गाइस लुक के हिसाब से ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा बेस्ट है। एंड गाइस क्वालिटी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो गाइस उसके हिसाब से मुझे ये इंजीनियर ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें सामान भी काफी बढ़िया हमें देखने मिल जाता है। पर गाइस क्वालिटी इसकी भी कोई ज्यादा हल्की नहीं, ये बिल्कुल न्यू लुक में हमें देखने मिलती है। एंड गाइस दो कंपार्टमेंट होने के कारण मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी। तो गाइस आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन दोनों ज्योमेट्री बॉक्सेस में से कौन सी ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा बेस्ट लगी। एंड गाइस आज की रिव्यू वीडियो किस तरह की लगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कॉमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और भी ऐसी स्टेशन रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जो कि ऐसी न्यू स्टेशन रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।